नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के बेहतरीन शैक्षणिक समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है 8 जून 2019, देखते हैं राजस्थान के प्रमुख शैक्षिक समाचार। वीडियो पसंद आने पर लाइक बटन को जरूर दबाएं। जी हां दोस्तों, 10वीं की उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन आवेदन 13 तक, अंतिम तिथि 18 जून। राजस्थान बोर्ड में सोमवार से लागू होगा 5-डे वीक। अजमेर, शोधार्थी को GRF में अब 31,000 रुपये मिलेंगे। जयपुर, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में होगी लाखों शिक्षकों की भर्ती। जयपुर, अनुपस्थिति और मिड डे मील पर केंद्रित शिक्षा नीति। 25,000 भर्तियों को अंजाम दिलाने की मांग पर गुजरों की रेल और सड़क मार्ग जाम करने की चेतावनी। गुजर नेताओं ने CM और DC से मांगा समय। जयपुर, नवंबर तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को मिली 6D काउंसलिंग पद स्थापना से मुक्ति। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश मिले। अजमेर, 8वीं बोर्ड रिजल्ट घोषित, प्रतिशत की जगह ग्रेडिंग देने से सभी बच्चे हुए पास। जोधपुर, भास्कर ने बताया था कि आंसर की में गलतियां हैं और 4 सवालों के जवाब बदलने होंगे। क्लेट आयोजकों ने माना आंसर की में थी गलतियां, उत्तर बदलने, परिणाम 10 को। जोधपुर, मेडिकल हब लेक सिटी, शहर के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में पहली बार होंगे MBBS एडमिशन। जयपुर के 5 कॉलेजों में 850 सीटें हैं। जयपुर, शिक्षा विभाग में 6D काउंसलिंग आज से। कोटा, JNU तीसरी बार बड़ी प्रवेश की तारीख, अब 10 तक कर सकेंगे आवेदन। जोधपुर, CBSE के 9वीं के विद्यार्थियों को 10वीं परीक्षा के लिए होंगे पंजीयन, जुलाई या अगस्त में होंगे विद्यार्थियों के पंजीयन। अजमेर, देश में MBBS की 5,000 सीटें बढ़ी। नई दिल्ली, चयनित शिक्षकों ने किया कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना प्रदर्शन। जयपुर, शिक्षा मंत्री को पहले पौधे के गमले दिए, फिर सौंपा मांग पत्र। जयपुर, शिक्षा संकुल के राजीव गांधी भवन में होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। जयपुर, 7वीं आर्थिक गणना मोबाइल ऐप के माध्यम से बिना कागज के की जाएगी। जयपुर, हेडमास्टर से प्रिंसिपल के पदों पर UDPSC जल्द हो। जयपुर, स्कूलों में नामांकन के अनुपात से ज़्यादा शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। भीलवाड़ा, अब 105 से अधिक छात्र संख्या पर लगेंगे PTI। उत्कृष्ट स्कूलों में लेवल द्वितीय को मिलेगा एक अतिरिक्त पद। भीलवाड़ा, 8वीं बोर्ड के परिणाम में सभी को मिली ग्रेडिंग। 12,54,680 परीक्षार्थी थे पंजीकृत, 18,291 रहे थे अनुपस्थित। जयपुर, 10वीं परीक्षा परिणाम, शिक्षकों की दरिया दिली, बोर्ड ने खोली पोल। राजस्थान विश्वविद्यालय में शुरू हुई रात्रि गश्त, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी जाएगी विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस को। इंजीनियरिंग कॉलेजों में आयु सीमा हटाई, शुल्क में भी नहीं कोई इजाफा। भरतपुर का मामला, गुस्साई युवक ने की फायरिंग, प्रोजेक्ट फाइल देने से मना किया, कॉलेज कोषाध्यक्ष को मारी गोली। भरतपुर, भास्कर खास, राजस्थान बोर्ड का वाही वाही लूटना, विद्यार्थियों पर पड़ रहा है भारी। स्कूलों में नहीं पूछी मार्कशीट, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए विद्यार्थी को खर्च करने पड़ रहे हैं 200 रुपये। जयपुर, भास्कर खास, वाशिंगटन पोस्ट की अन्ना फिलिन द ग्रेट सेक्सेयर किताब में किम की जिंदगी के अनछुए पहलू बताए। वाशिंगटन, 8वीं बोर्ड रिजल्ट, 2 तरह के आंकड़े जारी किए। पहले जारी आंकड़ों में से 2 लाख विद्यार्थी कम किए, बाद में फिर संशोधन। अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, संशोधित प्रेस विज्ञप्ति। राज्य के विश्वविद्यालयों में राजीव गांधी सेवा केंद्र खोले जाएंगे। भाटी, बीकानेर, 3 साल तक बच्चों को अधूरी इबारत पर कोरे पन्ने पढ़ाते रहे, शिक्षा से खिलवाड़। पंचायत राज के 350 शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन लाए, दोपहर 1 बजे आदेश। काउंसलिंग और पदस्थापना को दिए 5 घंटे। जोधपुर, शिक्षकों की विकल्प के आधार पर काउंसलिंग करवाने की मांग। बीकानेर, आंगनबाड़ी के लिए आवेदन 21 जून तक। कोटा, पाठ्य पुस्तकों में नेहरू भी
पन्ना, पृथ्वीराज और राणा सांगा भी उदयपुर। अब अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में पढ़ सकेंगे बच्चे। अजमेर में खुलेगा जवाहर स्कूल का चयन, अजमेर। यूजीसी अपलोड जर्नल्स में कोटा, विश्वविद्यालय के 3 स्टूडेंट की रिसर्च शामिल, कोटा। स्कूल व्याख्याता की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग, अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग। शिक्षा संकुल पहुंचे डोडासरा, कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जयपुर। आपने मोबाइल चेंज किया है तो कॉलेज में जाकर एडमिशन के बारे में पता करें, भरतपुर। कार्यालय जिला परिषद 12, प्रेस विज्ञप्ति। जैसलमेर कृषि विश्वविद्यालय में शुरू होगी ग्रामीण मौसम सेवा, बीकानेर। ग्रामीण हाट में ऊँटने के दूध उत्पादकों की बिक्री, बीकानेर। जयपुर में बढ़ी डॉक्टर बनने वालों की संख्या, पिछले साल से 49 अधिक छात्रों का चयन। MDS में 170 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। आज का भविष्यफल, राजस्थान एग्जाम पत्रिका की गाइड। तो दोस्तों, ये थे 8 जून 2019 राजस्थान के प्रमुख शैक्षिक समाचार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।